जय हिंद। कैमरामैन रमणीक के साथ ही बनेगी वीडियो रोज, ठीक है। चलिए, अब सेकंड जो टॉपिक आज हमारा है वो भी खत्म हो जाएगा। अब देखो, बहुत सारी नदियां हैं भारत में, ठीक है। हर साल भारत में नदियां जो है कहलाती हैं, फ्लड, डिजास्टर, डैमेज करती हैं, ठीक है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में फ्लड आया, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश में फ्लड लाया जिस नदी ने, वो नदी थी ब्यास। कौन सी थी? ब्यास नदी। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश में जो ब्यास नदी है वो क्या कहलाई? सारो रिवर। क्या कहलाई? सारो ऑफ हिमाचल प्रदेश। समझ आ गया सारो क्यों बोलते हैं? आप यहाँ से थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक चल रहे हैं, चलिए चाइना चलते हैं। हमने जितनी भी सिविलाइजेशन थी ना पहले, हम अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग अपने अपने राय रखते हैं, विचार रखते हैं, कहते हैं कि ये जितनी सिविलाइजेशन थी ये नदियों के नदियों से बहेगी, या अर्थक्वेक आया या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। हमने चाइना की जो सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन, वो हवांगो नदी से किसे हवांगो, और चाइना की इस नदी को, चाइना की सिविलाइजेशन को खत्म करने वाली सिविलाइजेशन का नाम क्या है? हवांगो। चाइना सारो ऑफ चाइना इज कॉल्ड हवांगो। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बच्चे हैं ना। नदियां करने से पहले थोड़ी सिविलाइजेशन पे जाएंगे, ठीक है। चल इजाज बोल, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड भाई, जो इजाज है वही बोलेगा। मेसोपोटामिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो बच्चा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो अंकुश। मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, ठीक है। हर एक सिविलाइजेशन नदियों के किनारे, पहले हम हंटर गैदर थे, फिर हमने अचानक से सेटल होना शुरू कर दिया, फ्रूट्स आ गए, प्लांट्स ग्रो हो गया, एग्रीकल्चर आ गई, नदियों के किनारे बैठ गए, ठीक है। ये सब कुछ हमने हिस्ट्री में पढ़ा कर, आप सब पढ़ा ही रहे आपको, ठीक है, हिस्ट्री में फर्स्ट जो एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी, कौन सी नदी के किनारे थी? ये यूफ्रेट्स, कौन सी नदी है? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, कौन सी है? यूफ्रेट एंड टिग्रिस। अब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कौन से एशिया के कौन से पार्ट में लाई करती? मिडल ईस्ट, कहां पे? मिडल ईस्ट। और इस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को इराक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इराक। इराक की कैपिटल है बगदाद। ठीक है, ये समझ आ गया। ईरान सुदान हुसैन वाला ही है, ठीक है। इसी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस लाई ऑन द बैंक ऑफ रिवर मेसोपोटामिया एंड टिग्रिस, और मिडल ईस्ट में लाई करता है इराक। और अब ये सिविलाइजेशन नहीं, जो ये अभी तो इराक है वहां पे लोग रहते हैं, बट जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी दुनिया की वो अब नहीं है। उसके बाद आता है चाइनीज होगी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। हमें पता है इजिप्ट जो है नाइल नदी के किनारे है। कौन सी नदी? अगर हम इनकी हिस्ट्री जब पढ़ने बैठोगे ना, सेम ही है, सेम जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है, वैसे ही सेम इनकी भी हिस्ट्री है। इनके भी सिटाडेल है, नीचे अपर है, लोअर है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये लोग भी दूसरी कंट्रीज का ट्रेड करते थे, इनकी भी अलग अलग सील्स हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स हैं, वैसे इन सब की भी क्या ये सील्स पाई जाती है, ठीक है।
और नाइल जो है ये इजिप्ट में है, ये अफ्रीकन शिप है। ये कौन सी है? अफ्रीकन सिविलाइजेशन। यहां समझ आ गया। फिर उसके बाद आता है चाइनीज सिविलाइजेशन, ये भी नहीं है, ठीक है। चाइनीज हम है सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर हवांग। कुछ क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछने हैं, तैयार है ना? ठीक है, हवांगो, ठीक है, ये भी गई। अब दुनिया में एक ही सिविलाइजेशन बची है, वो लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। कौन है? मुस्कान मरियम है। बिल्कुल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। मुस्कान बोल रही है, मैं हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। भारतीय, चाहे वो अफगानिस्तान से लेके पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ सकता है, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ में, हाँ, नॉर्थ में पूरा, ठीक है। नहीं, वेस्ट, ये वेस्ट है, ठीक है। हाँ, वेस्ट में अफगानिस्तान, अब तो पहले नहीं था ना, पाकिस्तान, ये सारी चीजें नहीं था। जितने भी ये सारा प्रोविंस किस में आता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन दो नदियों पे, ठीक है। एक तो सिंध, सिंधु, कौन सी है? सिंधु, जिसको आज क्या कहा जाता है? इंडस। इट वाज मेंशन इन ऋग्वेद, इंडस, और किस में मेंशन है? ऋग्वेद। खुरम, खुरम जो नदी है वो अफगानिस्तान में कहीं बहती है, और स्वात जो है पाकिस्तान की स्वात वैली में बहती है, और उसका नाम भी लास्ट ईयर वहां पे भी बड़ा फ्लड आया था इस स्वात नदी के ऊपर, ठीक है। ये नदियां जो है, इसका मतलब ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा इज एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी याद रखेगा। और यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन, कौन सी? हड़प्पन एंड मॉन्ड ऑफ डेथ, मोहनजो धारो, हड़प्पन जो है रावी नदी के किनारे की सिविलाइजेशन, और मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु जो है, सिंधु नरेश, अगर ये महाभारत पे देखी होगी, सिंधु, ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये जो जिसके मानस कौरवों ने जिसने कोशिश की थी द्रौपदी का रेप करने में, और पांडवों ने उनको मारा, कौरवों के बहन का पति, ठीक है। ये सिंधु नरेश जिसको कहते हैं, उनकी वो इसी साइड रहते थे, ठीक है, जीजा, ठीक है, ठीक है। ये समझ आया? हड़प्पन सिविलाइजेशन, रावी, मोहनजोदारो, सिंधु, ये सारे लोग आते हैं। हसना जब महाभारत बोलते हैं कि साउथ इंडियन के लोग, एक क्वेश्चन आया है अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में कि साउथ इंडियन का कौन सा राजा था जिसने महाभारत में पार्टिसिपेट किया, ये रिसेंटली सीएचएसएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये भी इसी साइड में है या सीएसएस में, किसी ने मुझे नहीं पता, मैंने खुद पढ़ा था कि देखा नहीं था ना ऊपर से जारी, ठीक है। अच्छा बताओ भाई, जेएनके में से जेकेएसएसबी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। जेएनके में से कौन था जिसने महाभारत की लड़ाई में लड़ाई लड़ी? जेकेएसएसबी में तो क्वेश्चन आते हैं, सीन खुल गया। चलो, गोना कोंडा या आदित्य, विक्रम आदित्य नाम तो पहला किंग कौन है उससे पहले, ठीक है। पहला से भी यशो वर्मा से भी पहले गोना राजा, ठीक है। गोना राजा जो थे उन्होंने महाभारत में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट देखिए, ये समझ आ गया नदियों की कहानियां,
ठीक है, सदियों से नदियां जो है सारो रहती है। चलिए ट्रिक, लंदन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बोल आरे नाथ बोल, चलो तू बोल। न्यूयॉर्क ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ये क्वेश्चन मैंने करवाया अभी उस दिन आपको, नदी है बीच में इसी क्लास में। बिहार में ये कोसी नदी है, नेपाल से बहती है और ये बिहार में आके तांडव करती है, इसको बोलते हैं सारो ऑफ बिहार। उड़ीसा महानदी, महानदी के ऊपर दुनिया इंडिया की सबसे बड़ी डैम बनाई गई है, हीरापुर डैम। चिल्का लेक जो है वो भी कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है, महानदी के पास। ये लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है, ये लिख लो क्वेश्चन, ये लिखा था ना तो आज का है, लिखते जाओ सारे क्वेश्चन, क्यों लिखते। लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक जो है भारत की वो कौन सी है? चिल्का नदी। और चिल्का लेक वो कहाँ पे है? उड़ीसा में, ये भी याद रखिएगा। असम ब्रह्मपुत्र, एनडीए में क्वेश्चन आया है सर, असम से ब्रह्मपुत्र। यहाँ से एनडीए में पूछा गया था कि असम को जब तिब्बत से आती है कहाँ आगे चल के अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग कहलाती है। जी हाँ, दिहांग ही कहलाती है। उसके बाद ये असम में एंटर करती है, जब असम में एंटर करती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र असम से होकर बंगाल से, बंगाल से बांग्लादेश जाती है, जमुना कहलाती है। क्या कहलाती है? जमुना। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में दामोदर रिवर, और वेस्ट बंगाल में इंडिया की पहली अंडर मेट्रो टनल भी ओपन हुई है। वेस्ट बंगाल ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हुगली। वेस्ट बंगाल जो है वो हुगली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? हुगली। असम ऑन द बैंक ऑफ रिवर? ब्रह्मपुत्र। और असम में लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बनाती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र, दैट इज ए मजोली। कल मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान से लिख लो, मजोली। ठीक है, उड़ीसा में इंडिया की सबसे बड़ी डैम बनती है नदी के ऊपर, महानदी। कौन सी है? महानदी। और उस डैम का नाम क्या है? हीराकुंड डैम। और इसी उड़ीसा में इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश लगून या साल्टी लेक है वो कहाँ पे है? दैट इज कॉल्ड चिल्का लेक। और बिहार जो है कोसी नदी जो है कहाँ से आती है? नेपाल से आती है। झारखंड, झारखंड से हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, पहले वो झारखंड की गवर्नर थी। क्या थी? झारखंड की। और इसका मतलब झारखंड में जो ट्राइब्स है वो संथल है। कौन सी है? संथल। ये भी बिरसा मुंडा भी झारखंड से आते हैं, द्रौपदी मुर्मू भी। अभी करंट जो जीसी मुर्मू है वो क्या है? कंट्रोलर ऑडिट जनरल, वो भी संथल कम्युनिटी से आते हैं। दामोदर रिवर, रिवर ऑफ सारो। अच्छा, कर्नाटका में धोनी रिवर, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, कर्नाटका धोनी, ठीक है। कर्नाटका से देखो, इससे इस साल यूनेस्को 42nd साइट कौन सी है? होयसाला टेंपल, वेरी गुड, होयसाला टेम्पल। भाई तुमसे तो बाद में आई, होयसाला टेम्पल, ये भी कर्नाटका में है, मॉन्यूमेंट ऑफ होयसाला। ये CEHSL के लिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये किसी की भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इससे हिस्ट्री से क्वेश्चन रिलेटेड है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ये सिटी बेंगलुरु सिटी, इसकी कैपिटल बेंगलुरु सिटी किसने बनाई थी? कैंपे गोड़ा ने। किसने? कैंपे गोड़ा, देवेगोड़ा, यहाँ का कर्नाटका का देवेगोड़ा भारत का प्राइम मिनिस्टर रह चुका, ये भी याद रखिए, ठीक है। बेंगलुरु सिटी के और लार्जेस्ट कॉपर सिटिंग मॉन्यूमेंट इंडिया किसका है? ये भी स्टैचू जो है ये भी कैंपे गोड़ा का बनाया गया 2022 में, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको हमेशा ही करंट अफेयर मिलेंगे स्टैचू, ठीक है। और उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश, सोन रिवर। सोन जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है,
आंध्र प्रदेश जो है यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चंबल, ठीक है, और यमुना खुद सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, इसकी गंगा की, और इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है आप लोगों के लिए, चनाब की सतलुज, ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, चनाब की सतलुज, ठीक है, सभी अपना अपना थ्रोन मिल के और फोन देखना, ठीक है, चलो इसके बाद लाइक किस किसने किया जल्दी बोलो, एक तेरा और किसने, दो, पांच लाइक, एक मेरा, तीन, दो, दो तुम सबने मिलके किया, तूने भी किया, हाँ चार, अब बाकी सबका पांच मिलके क्या हो गया, एक लाइक, ठीक है, पांचवा जो लाइक था वो पांच सबने मिलके किया, एक एक फिंगर टिप में, आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सोनीवर, आंध्र प्रदेश की बुधमेरु रिवुलेट, सारो हिमाचल प्रदेश स्वयं रिवर ब्यास भी लिखे, ठीक है, वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी को, दक्षिण गंगा भी गोदावरी को, ओल्ड गंगा भी गोदावरी को बोलते हैं, और लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो गोदावरी है, और फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, गंगा, और ये नॉन पेरिनल रिवर है, क्या है, नॉन पेरिनल रिवर, नॉन पेरिनल रिवर वो होती है जो ग्लेशियर स्नोफेड नहीं होती है, और पेरिनल रिवर वो होती है जो हिमालय से बहती है, हिमालय से बहने वाली कौन सी, कृष्णा सॉरी गंगा, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र इंदर चनाब रावी ब्यास, ये सारी क्या है, पेरिनल रिवर्स, और नॉन पेरिनल रिवर्स हम बोलते हैं कृष्णा कावेरी महानदी गोदावरी तापी नर्मदा, दीज आर द नॉन पेरिनल रिवर्स, ठीक है, तापी नर्मदा बहती है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, कृष्णा कावेरी गोदावरी महानदी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, और ये मिलती कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में, और तापी और नर्मदा कहाँ मिलती है, अरेबियन सी में, कहाँ पे, अरेबियन, इंडस जो है ट्रांस हिमालयन रिवर है, इंडस कौन सी है, ट्रांस हिमालयन रिवर, पीछे गिलगित बल्तिस्तान लेह से पीछे मुड़ जाती है हिमालय से और नीचे चलती है, हिमालय के पीछे पीछे बहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालयन रिवर, और ये आगे मुजफ्फराबाद से कराची, कराची के अंदर अरेबियन सी में मिलती है, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से ये भी निकलती है, मानसरोवर से तिब्बत और सॉरी इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों ही निकलती हैं, एक ईस्टर्न एक अरेबियन सी जाती है तो एक बेया बंगाल में जाती है, दिल्ली हरियाणा साथ में सुन लो, टॉपिक में यही खत्म करें, इसके बाद इस टॉपिक को नहीं छोड़ूंगी, दिल्ली हरियाणा मथुरा ताजमहल और एक और जगह रह गई, दिल्ली हरियाणा आगरा, ठीक है, ये सारे शहर नदी यमुना के किनारे बसे हैं, कहाँ बसे हैं, यमुना के किनारे, लखनऊ गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी, ऋषिकेश देवप्रयाग गंगा, ठीक है, गंगा देखिएगा कहाँ कहाँ कौन कौन से शहर कौन कौन से कस्बे इसमें बहती है, ये बड़ा क्योंकि लंबा सिस्टम है इसका, ठीक है, और ये याद रखिएगा गंगा आती है गंगोत्री से गोमुख से, तो गंगा तो बोलते हैं कि जो मतलब बहुत सारी नदियां उनका मिश्रण है, भाई गंगा जो है जब गंगा गौमुख से निकलती है उसको भागीरथी गंगा कहते हैं, कौन सी, भागीरथी गंगा, वो उसके साथ साथ देखो गंगा बहती है अलकनंदा, कौन सी, ये दोनों ही नदियां आपके देवप्रयाग में मिलती हैं, कहाँ पे, देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में जब मिलती है तो क्या कहलाती है, गंगा, क्या कहलाती है, गंगा, जब गंगा यहाँ से फिर ऋषिकेश से प्लेन में एंटर करेगी फिर हरिद्वार, हरिद्वार से आगे पूरा यूपी घूमेगी, यूपी से बिहार, बिहार से ये आगे बंगाल, बंगाल में पद्मा कहलाएगी बांग्लादेश में, फिर सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगी कौन सा, सुंदरबन डेल्टा, गंगा कौन सा सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगी, सुंदरबन डेल्टा, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी, ये याद रखिए, ये नदियां याद रखना कल मैं पूछूंगी, ठीक है, और झेलम जो है वेरी नाग से, वेरी नाग से ओरिजिनेट होती है, वेरी नाग जे एंड के में है कश्मीर, ठीक है, और चिनाब जो है ये ऊपर हिमाचल में कहां पे, चंद्रभागा, चंदर और बागा में चिनाब नदी आके मिलती है, एक नदी मिलती है उसका नाम मुझे सो ही बताएगा,
वो नदी एक चंदर एक बागा दो नदियां मिलती है, वहां से एक नदी बनती है उसको हम चिनाब नदी कहते हैं, ठीक है। और उधमपुर में कौन सी नदी बहती है? देविका। देविका ओरिजिनेट होती है रामनगर से, ठीक है। कठुआ में उज नदी बहती है, कौन सी? उज। बसंतर नदी कहाँ बहती है? सांबा, ठीक है। बसंतर नदी सांबा बहती है, सांबा वाले बच्चे भी बोले हैं। और जम्मू में जो नदी बहती है तवी है, और रजौरी में जो नदी बहती है मानेवर, मानेवर नहीं मवाड़ इस तरह कुछ नाम है, मर मुझे ही भूल गया, ठीक है। नौशहरे में कौन सी नदी बहती है? करके आना का नौशहरा और रजौरी की नदी, ठीक है। और यहाँ तक क्लास आ जाती है, नेक्स्ट क्लास है। जय हिंद, थैंक यू।